आज मैं बनाने वाली हूँ छत्तीसगढ़ की बहुत ही प्रसिद्ध करमत्ता भाजी की सब्जी। इसे गर्मी के दिनों में खाया जाता है क्योंकि ये पेट के लिए ठंडा होता है। इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, करमत्ता भाजी बहुत ही खिले खिले बने हैं, बिल्कुल ऐसे ही बनाना चाहिए, ये बिल्कुल परफेक्ट बने हैं। तो चलिए दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से करमत्ता भाजी को कैसे बनाते हैं देख लेते हैं। करमत्ता भाजी बोरे भाजी के साथ बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ये बहुत ही टेस्टी और फ़ायदेमंद सब्जी कैसी बनती है देख लेते हैं। जय जोहार संगवारी हो, नमस्कार, हेलो फ्रेंड्स, मैं लता जंगेल अपने किचन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो यहाँ पर मैं ले ली हूँ 20 रुपए का करमत्ता भाजी। मैं यहाँ पर बिल्कुल कोमल कोमल वाला करमत्ता भाजी ली हूँ। करमत्ता भाजी को बनाने से पहले करमत्ता भाजी को तोड़ना कैसे है वो भी बता देती हूँ दोस्तों। बहुत लोग क्या करते हैं कि ऐसे पत्ता तोड़ लेते हैं और डंठल नहीं डालते हैं। तो ये देखिए, जो कोमल वाला डंडी है वहाँ से हमको तोड़ना है, और ये जो डंडियाँ हैं उसे भी तोड़ लेना है, और जो मोटा वाला डंठल है उसे अलग कर लेना है। तो एक बार और बता देती हूँ कि ये जो पतला वाला डंठल है उसे हमें ले लेना है। ये देखिए, बिल्कुल ऐसे ही तोड़ लेना है। अगर आप सिर्फ भाजी भाजी को तोड़ेंगे तो ये आपस में मिक्स हो जाता है, आपस में चिपक जाता है, तो स्वाद नहीं आता है। तो आप ऐसे ही तोड़ें डंठल के साथ में। आप एक बार मेरे तरीके से बनाकर देखेंगे तो आपकी जो सब्जी है वो कभी भी बिगड़ेगी नहीं, बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। तो चलिए दोस्तों, अब इसे तोड़ लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल ऐसे ही तोड़कर तैयार कर लेना है। अब इसे हमें बहुत ही साफ़ पानी से धो लेना है, कम से कम 4 से 5 बार बड़े टब में धो लेना है या बाल्टी में धो लेना है। तो ये देखिए दोस्तों, मैं इसे 5 से 6 बार अच्छे से बहुत ज़्यादा पानी में धो ली हूँ, बिल्कुल साफ़ पानी में धो ली हूँ, बाल्टी में डुबा डुबा कर अच्छे से साफ़ कर ली हूँ। इसमें जो धूल मिट्टी रहता है उसे अच्छे से साफ़ करके अलग कर ली हूँ। तो ये बहुत ही अच्छे से साफ हो चुका है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गैस ऑन करके कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, अब इसमें हम तेल डाल देंगे। तो मैं यहाँ पर 5 से 6 चम्मच तेल डाल दी हूँ। तेल को अच्छे से गर्म होने देते हैं। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, अब इसमें हम लहसुन डालेंगे। यहाँ पर मैं 15 से 20 लहसुन ले ली हूँ, जिसे टुकड़ों में कट कर ली हूँ। लहसुन को अच्छे से डांस करने देंगे दोस्तों। तब तक यहाँ पर मैं ले ली हूँ 5 से 6 लाल मिर्च ले ली हूँ, सूखी हुई लाल मिर्च। आप अपने टेस्ट के अनुसार लाल मिर्च कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब लहसुन को ब्राउन होने तक अच्छे से पका लेंगे, और मिर्च को कलर चेंज होते तक इसे पका लेंगे। लाल मिर्च का कलर चेंज हो गया है, मैं यहाँ पर गार्निशिंग के लिए लाल मिर्च को निकाल रही हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, लहसुन ब्राउन हो चुका है, डांस करते करते थक चुका है दोस्तों। अब इसी समय हमें डाल देना है एक कटा हुआ प्याज। अब प्याज को भी लहसुन और मिर्च के साथ अच्छे से फ्राई कर लेना है दोस्तों। अब प्याज को अच्छे से पका लेना है, ब्राउन होने तक पका लेना है, क्योंकि अगर आप प्याज को अच्छे से नहीं पकाएंगे तो बाद में ये नहीं पकेगा, वैसे का वैसे ही रह जाएगा। अगर आप प्याज को ब्राउन होने तक पकाएंगे तो ये भाजी के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि प्याज इसमें डला है करके। तो ये देखिए दोस्तों, प्याज बिल्कुल बनकर तैयार है, अच्छे से ब्राउन हो गया है। अब यहाँ पर हमें भाजी को डाल देना है। करमत्ता भाजी में प्याज डालकर देखिए दोस्तों, बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो एक बार मेरे तरीके से बनाकर देखिए, बहुत ही टेस्टी लगता है। एक साथ करमत्ता भाजी नहीं डालना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके फिर चम्मच चलाएं, फिर भाजी डालें, फिर चम्मच चलाएं। तो इसी प्रकार से भाजी को डालना है, और ऊपर नीचे करते हुए चम्मच को चला लेना है। करमत्ता भाजी को कभी भी ढक कर ना पकाएं। तो ये देखिए दोस्तों, इसे अच्छे से चम्मच चलाते हुए ऊपर नीचे करते हुए इसे अच्छे से पका लेना है। जब आप भाजी को डालें तो गैस का फ्लेम हाई कर दें, बिल्कुल हाई फ्लेम में इसे अच्छे से पका लेना है। क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है, तो आप अगर हाई फ्लेम में नहीं पकाएंगे तो बहुत ज़्यादा पानी छोड़ने लगेगा। तो ये देखिए दोस्तों, कितना पानी छोड़ दिया है जबकि हम हाई फ्लेम में इसे पका रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान रहे दोस्तों, हमें यहाँ पर हाई फ्लेम में ही पकाना है और चम्मच चलाते रहना है।
पानी के सूखने तक हमें इसे अच्छे से पका लेना है। जब तक भाजी पक रहा है तब तक हम टमाटर को काट कर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं 5 टमाटर ले ली हूँ मीडियम साइज़ का। मैं जो ऊपर वाला हिस्सा है उसे कट कर ली हूँ। अब इसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे और बीच बीच में चम्मच चलाते रहना है दोस्तों, क्योंकि अगर आप इसमें ध्यान नहीं देंगे तो ये बैठने लग जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, लगभग ये पक चुका है, पानी बिल्कुल सूख चुका है। अब इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद अब यहाँ पर बीचों बीच मैं जगह बना लूँगी टमाटर को डालने के लिए। अब यहाँ पर जगह बनाने के बाद बीचों बीच हमें टमाटर डाल देना है। टमाटर डालने के बाद हमें नमक डाल देना है टमाटर के ऊपर में, और थोड़ा सा नमक भाजी के ऊपर भी डाल देना है। टमाटर के ऊपर नमक डालने से टमाटर बहुत ही जल्दी पक जाता है। अब एक बार अच्छे से टमाटर को मिक्स कर देंगे। अब यहाँ पे हमें ढक्कन लगाकर टमाटर को पका लेना है। तो सिर्फ 2 मिनट के लिए इसे ढक्कन लगा देंगे। ध्यान रहे दोस्तों, सिर्फ 2 मिनट के लिए ही इसे ढक्कन लगाकर पकाना है, क्योंकि सिर्फ हमें टमाटर को सॉफ्ट करना है ताकि ये जल्दी से पक जाए। तो ये देखिए दोस्तों, टमाटर अच्छे से पकने लगा है। अब हम भाजी के साथ में इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और यहाँ पर मीडियम फ्लेम में इसे अच्छे से पका लेना है। भाजी को कढ़ाई के चारों तरफ ऐसे फैलाते हुए इसे अच्छे से पकाना है, मिक्स करना है, फिर चारों तरफ ऐसे फैला देना है ताकि भाजी सभी तरफ से बहुत ही अच्छे से पक जाए। तो ये देखिए दोस्तों, टमाटर का पानी कितने अच्छे से सूख चुका है। अब इसे हम 2 से 3 मिनट और पकाना है, फिर हमारी सब्जी बिल्कुल तैयार है। तो ये देखिए दोस्तों, 2 से 3 मिनट हो चुका है, भाजी बहुत ही अच्छे से पक चुका है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब इसे हम सर्व कर देते हैं एक प्लेट में। तो ये देखिए दोस्तों, खिले खिले करमत्ता भाजी बनकर बिल्कुल तैयार है। तो चलिए दोस्तों, अब बोरे बासी के साथ इसे सर्व कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं ले ली हूँ पका हुआ चावल। पके हुए चावल में पानी डाल देंगे, स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे, कच्चा प्याज डाल देंगे और इसमें दही डाल देंगे। आप चाहे तो फेटा हुआ मठा भी ले सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, बोरे बासी तैयार है करमत्ता भाजी के साथ। कितने खिले खिले करमत्ता भाजी बने हैं। आप चाहे तो इसे चावल के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन बोरे बासी के साथ इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। तो दोस्तों, मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस रेसिपी को ट्राई करके जरूर देखिएगा। तो मिलती हूँ दोस्तों एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए जय जोहार, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।